हाय लोग, तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं हौस खास विलेज। वैसे तो मैं जाता रहता हूँ हौस खास विलेज, बट आज मैंने सोचा है कि एक ना बढ़िया सा वीडियो बनाया जाए हौस खास पे। तो अभी मैं अपने दोस्त को पिक करने जा रहा हूँ, उसको पिक करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे हौस खास विलेज। जैसा कि आप लोगों ने मेरी थंबनेल देखी होगी जिस पे लिखा था टू एरास वन प्लेस, जिसका मतलब है यहाँ पे आप एक ही प्लेस में दो एरास को एंजॉय कर सकते हो। तो पहला है हौस खास विलेज और दूसरा है उसके आसपास का मॉडर्न अर्बनाइज्ड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले चलते हैं 13th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ हौस खास विलेज। हौस का मतलब होता है अ वाटर टैंक और खास का मतलब होता है रॉयल, इन शॉर्ट अ रॉयल वाटर टैंक। तो यहाँ पे एक रिजर्वर है मींस वाटर टैंक जो 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था श्री फोर्ट के रेजिडेंट्स के लिए। ये जो आप डोम स्टाइल स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मॉस्को हुआ करता था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था पूरे एंटायर फोर्ट के साथ। ये जो आपको लेफ्ट में गार्डन दिख रहा है इसमें टोटल 6 पवेलियन हुआ करते थे जो कि एंटायर फोर्ट के साथ साथ बने थे। और ये है फिरोज शाह तुगलक का टॉम जिसमें आपको इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने टॉम और मॉस के साथ साथ मदरसा भी बनवाया था जहां पे लोग पढ़ाई किया करते थे और वहां से सीधा रास्ता लेक के लिए जाता था। आई होप 13th सेंचुरी में बना हुआ ये हौस खास विलेज आपको पसंद आया होगा जो आज भी आपको एक पुराने एरा की याद दिलाता है। में ये प्लेस मॉडर्नाइज होने लगी जब बीना रमानी जैसे फैशन डिजाइनर्स यहाँ पे आने लगे और 1990 में यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी ओपन होना स्टार्ट हो गए। तो ये रास्ता लेक की तरफ जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली लेक की तरफ हौस खास विलेज से नहीं जा सकते, तो आपको यहाँ से ही जाना होगा। इस रास्ते में आपको बहुत ही अमेजिंग से कैफेज, रेस्टोरेंट्स और डिजाइनर बेस्ड क्लॉथिंग स्टोर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको वॉल में ग्राफिटी भी देखने को मिलती है। ये प्लेस वीकेंड में लाइव शोज के लिए भी फेमस है, तो अगर आप कभी भी लाइव शोज देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वीकेंड में आ सकते हो।
तो ये लोकेशंस यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस में से एक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल पे बहुत ही अमेजिंग सी ग्रैफिटी और इसके अराउंड बहुत ही अमेजिंग से कैफेज भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये एक ओल्ड एरा और न्यू एरा का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो ग्राफिटी है वो बहुत ही अमेजिंग सी देखने को मिलती है, बट यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो पुराना है। इसी के पास ही में आपको एक शी कैफे मिलेगा, जो कि विमेन फ्रेंडली कैफे है, मींस स्टैग एंट्री ऑफ बॉयज आर नॉट अलाउड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओल्ड रिसोर्सेज का यहाँ पे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया गया है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो पुराना है, बट जो थीम है शॉप्स का, काफी सारे स्टोर्स का, वो काफी हद तक नया है। और मुझे ये चीज़ सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि जो पुराना एरा और न्यू एरा का कॉम्बिनेशन है वो इस प्लेस को काफ़ी डिफरेंट वाइब देता है। वैसे तो सोशल आपको इंडिया में काफी सारी प्लेसेस में देखने को मिलेगा, बट हौस खास के सोशल की वाइब थोड़ी सी डिफरेंट है। वैसे तो सोशल अपने फूड के लिए हमेशा से ही फेमस है, बट इस बार का एक्सपीरियंस मेरा कुछ खास नहीं रहा। Blind.